सर्दियों का मौसम भी चल रहा है तो थोड़े दिन बाद मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो हम इन दिनों में सबसे ज़्यादा तिल के लड्डू, तिल की पपड़ी या काजू बादाम के लड्डू या फिर मुरमुरा लड्डू खाना ही पसंद करते हैं। तो इनमें सब बच्चों के जो फेवरेट होते हैं वो मुरमुरा के लड्डू होते हैं। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ खस्ता करारा मुरमुरा लड्डू की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेखा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो चलिए मुरमुरा लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मुरमुरा लड्डू बनाने के लिए ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ 3 कटोरी मुरमुरे और 1 कटोरी गुड़ लिया है। नाप के लिए हम 1 कप गुड़ ले रहे हैं, तो 3 कप हमें मुरमुरा ही लेना है। तो सबसे पहले गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देनी है और कढ़ाई में मुरमुरों को सूखा ही हमें भुनना होता है। हल्के से करारे होने चाहिए, अगर मुरमुरों में नमी होगी तो लड्डू स्वादिष्ट नहीं बनेंगे और लड्डू बहुत ज़्यादा नरम ही बनेंगे। हमें मुरमुरों को मीडियम फ्लेम पर ही भुनना होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मीडियम फ्लेम पर हमें मुरमुरों को कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो मुरमुरे नीचे से ज़्यादा भुन जाए और ऊपर से ही नरम रह जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मुरमुरे के दाने हल्के कड़क हो गए हैं, तो अब हम उसे एक थाली में निकाल के साइड में रख देंगे। अब उसी कढ़ाई को हमें गैस पे चढ़ाते हुए उसमें हमें 2 चम्मच घी डाल देना है। गैस की आंच को हमें कम ही रखना होता है। घी का यूज़ करने से जो मार्केट में चमकदार शाइनिंग लड्डू मिलते हैं ना, उसी तरह हम घर पे भी तैयार कर सकते हैं। तो अब उसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी गुड़, और गुड़ को डालते वक्त भी हमें गैस की आंच को कम ही रखना होता है और लगातार चलाते हुए हमें गुड़ को पिघलाना है। और सबसे ज़रूरी बात, जब हम गुड़ को ले रहे हैं उसी समय हमें इसे बारीकी लेना होता है, यानी कि तोड़ के लेना होता है, जिससे कि गुड़ हमारा जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा। और ये देखिए गुड़ जल्दी ही मेल्ट हो रहा है और हमें गुड़ को ज़्यादा नहीं पकाना है। गुड़ हमारा लगभग देख लीजिए पक चुका है, इसका कलर भी चेंज हुआ है। इसको चेक करने के लिए मैंने 1 कटोरी में ठंडा पानी लिया है। ये देख लीजिए हमारा गुड़ बराबर है और इससे भी ज़्यादा। अगर आपको हार्ड लड्डू पसंद है तो इसे थोड़ी देर और पकाइएगा, नहीं तो इससे नरम लड्डू ही बनेंगे। अब हम गुड़ में मुरमुरों को मिक्स कर देंगे और कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स करना है। अगर आपको ज़्यादा कड़क लड्डू पसंद है तो आपको गुड़ को थोड़ी देर और पकाइएगा। मुझे नरम लड्डू ही चाहिए थे, इसीलिए मैंने इतना ही इसे पकाया है। और पूरे ही मुरमुरों को एक साथ गुड़ में डाल देना है और फटाफट से मिक्स कर देंगे, नहीं तो हम इसे लड्डू का शेप नहीं दे पाएंगे। तो अब हम इसे ले रहे हैं एक थाली के अंदर, क्योंकि कढ़ाई ज़्यादा गर्म है तो हमारे गुड़ की पैर है वो ज़्यादा ही सख्त हो जाएगी, तो फिर लड्डू नहीं बांध पाएंगे। इसीलिए अभी पहले से ही मैं इसे थाली में ले रही हूँ। ध्यान रहे कि हमारा गुड़ अभी बहुत गर्म है, तो ठंडे पानी हाथ पर लगा कर अपने हाथ पर मुरमुरे और गुड़ का मिक्सचर लेना है और लड्डू हमें बांधने हैं। लड्डू का साइज हम अपने हिसाब से रख सकते हैं, बहुत बड़ा भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर लड्डू मीडियम साइज के बनाए हैं, ये देख लीजिए, और ज़्यादा भी प्रेस नहीं करने, हल्के हाथों से ही हमें इसे बांधना है। ये देखिए एकदम परफेक्ट लड्डू बांध के तैयार हो चुका है। इसी तरह हमें सारे मुरमुरे और गुड़ के मिश्रण से लड्डू को बना लेना है। और लड्डू को ठंडा होने के बाद इसे हमें एयर टाइट बॉक्स में रख देना है, जिससे कि हमारे लड्डू नरम नहीं होंगे। ये देख लीजिए इसी तरह मैंने सारे लड्डुओं को बांध दिया है। ये लीजिए हमारे मुरमुरा गुड़ के लड्डू है तैयार। लग रहे हैं ना एकदम यमी, और ये खाने में तो एकदम करारे, कुरकुरे और खस्ता है कि जब आप खाएंगे ना तो आपको लगेगा जैसे आप मार्केट वाले ही मुरमुरा के लड्डू खा रहे हैं। तो इसी तरह से कुरकुरे, करारे, मुरमुरे के लड्डू हम आसानी से घर में भी बना सकते हैं।
और ज़्यादा क्वांटिटी में बना के एक महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।